सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री में पहली बार मैंने कांड हो गया कांड यार। सो हे यूट्यूब फैमिली, दिस इज अनमोल कपूर, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 2:30। सो आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक शो चल रहा है, वो वाले पॉइंट पे, तो वहाँ पर। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:19 एंड सिद्धू मूसे वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। तो सिद्धू मूसे वाला एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है जिसको कोई भी मिटा नहीं पाया आज तक, एंड ना ही कोई मिटा पाएगा। लोगों ने तो बहुत कोशिश की, बॉडी को मिटा सकते हैं बट एक रुतबे को नहीं मिटा सकते। तो यही बात है ना कि आवाज़ में दम होना चाहिए, तो आवाज़ में उनके दम था इसीलिए कोई नहीं मिटा पाया उनके रुतबे को। तो चाहे लाख लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की बट वो दबा नहीं, तो यही होता है एक रुतबा। तो वो भी गट्स कई लोगों में होते हैं, वरना कई लोग तो दोगलेपंती खेलने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ना, क्या ही बात करूँ उनके ऊपर। सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाएगा, क्या बात करूँ उनके ऊपर। सो इतनी अच्छी प्लेस आया हूँ मैं सुबह सुबह सैर करने, तो क्यों ही मूड ख़राब करना। एंड वैसे ही मैंने डिसाइड किया हुआ है अपने व्लॉगिंग में कि सीधी बात, नो बकवास। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ एंड ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। एंड अब ये इस यूनिवर्स वर्ल्ड में क्या है, यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट ही नहीं कर दी क्योंकि इसकी जगह फ़ोनों ने ले ली हुई है। तो अभी दिखाता हूँ, पहले तो ये स्वर्ग का दरवाज़ा खोल लूँ ना। ये तो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये है गेमिंग वाला। इसमें सारी हम गेमें खेलते थे, वो भी पैसे दे के, 5 रुपये दे के, 10 रुपये दे के, 10 रुपये दे के, तो एक एक घंटा हम गेम खेल लिया करते थे। तो मेरे पास ये गेम पड़ी हुई है। अगर आपके भी घर में कुछ ऐसा पुराना एंटिक पीस पड़ा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वाह जी वाह, दोनों ही टूट गए। कांड हो गया कांड यार। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो अभी हर्ष और मैं अपने पार्क में आ चुके हैं। ये दूसरा पार्क है जिधर हम पहले खेला करते थे, तो उधर ही आ चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं एंड जब भी हम यहाँ पर पार्क में आते हैं तो हम रात को ही आते हैं खेलने, क्योंकि रात को ये लाइट जो है चार्ज गाड़ी काम बिगाड़ी, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इसमें से चलती भी 2 ही हैं। तो अभी हम यहाँ पर हैं खेलने, तो आज हमने जाना है जय किशोरी जी के वहाँ पर भजन संध्या में। सो अभी तो टाइम 4:30 स्टार्ट होगा, अभी 4 बज रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा आधा घंटा खेल लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं जय किशोरी जी के भजन संध्या में। एंड पहली बार मैं भजन संध्या अटेंड करूंगा, वो भी जया किशोरी जी का। एंड जया किशोरी जी को मैंने संदीप महेश्वरी जी के शो में ही देखा है बस, उसके बाद आज पहली बार लाइव मुलाकात होगी। मुलाकात भी कैसे, VIP एंट्री होगी। सो चलते हैं फिर। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ जया किशोरी जी के भजन संध्या में। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस झंडे को नीचे गिराने की कोशिश करी पर कोई सफल हुआ?
कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा झंडा, सिर पे पड़ेगा झंडा। परम पिता परमेश्वर, कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ तो कुछ नहीं सुनेगा। तो प्रहलाद जी ने उस वक्त तलवार निकाली। प्रहलाद जी कहते, मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कौन। कुमारी रोते हुए भगवान को पुकारती है। अब वो तो अपनी जान के लिए पुकार रही है, पर भगवान की लीला है, वो जब तक देखेंगे नहीं, दर्शन नहीं करेंगे, भक्त कैसे बनेंगे। तो कुमारी रोती है, वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वो रूप देख। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री में पहली बार मैंने दो प्लैनेट को अपनी आंखों से देखा है, वो भी 2023 में। आज से पहले मैंने कभी भी प्लैनेट को नहीं देखा। उसने पहले ही कैमरा ऊपर कर दिया, तो आपको दिखाता हूँ अभी जूम करके। तो जो नीचे वाला है वो है जुपिटर, एंड ऊपर वाला है वीनस। अगर आपने ये प्लैनेट को देखा है, अगर आपको मेरे से पहले ये इस ब्लॉग को देखने से पहले आपको इस प्लैनेट के बारे में पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं पता था तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आजकल की जनरेशन देखो किधर को निकल गई है। यहाँ पर ना दो बच्चे हैं एंड वहाँ पर एक बच्चा था। तो क्या हुआ कि इन दोनों की बहस हो गई, इन तीनों की बहस हो गई। तो वो बच्चा छोटा सा उसको उंगलियाँ दिखाता है, मिडिल फिंगर दिखा रहा है। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। एंड फिर जब गया अपनी मम्मी के पास, ये तो अभी तक खतरा, फिर वो गया अपनी मम्मी के पास तो अपनी मम्मी को भी वो मिडिल फिंगर दिखा रहा है। भाई कैसे की जनरेशन आ गई है आजकल, क्यों भाई। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की तरफ है एंड एक तरफ तो ये लेजेंड की है ना, जो वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। सो आई होप फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।